हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्लिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई मूवी स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है एरन कोमोफोबिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ डिस्कवरर्स को दिखाया जाता है, मतलब कि खोजियों को। इन खोजियों का लीडर रहता है जेम्स एथ्रॉन और ये अपने साथियों के साथ वेनेजुएला के जंगलों में एक नई प्रकार की जानवर की खोज कर रहा था और उन्हें अपनी खोज के दौरान एक नए प्रकार का मकड़ा मिलता है, मतलब कि स्पाइडर। यह जो मकड़ा रहता है ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है और ये लोग इस मकड़े को एक जार के अंदर पैक कर देते हैं। इसके बाद इस मकड़े को ये लोग ले जा रहे होते हैं कि तभी एक और मकड़ा पेड़ पर से कूदकर इनकी बैग में गिर जाता है। इन लोगों का ध्यान उस मकड़े पे नहीं जाता और ये लोग सुरक्षा पूर्वक अपने कैंप में चले जाते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप में एक फोटोग्राफर रहता है जिसका नाम रहता है जेरी मैनली और ये वो बंदा रहता है जिसके बैग में वो स्पाइडर गिरा होता है। अपने कैंप में पहुंचने के बाद सबसे पहले ये लोग उस स्पाइडर को एक सेफ जगह रख देते हैं और फिर इसके बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने निकल जाते हैं, जहां पर दोस्तों कैमरामैन जेम्स मैरली जब सोने जाता है तो उसके पैरों में खुजली होने लगती है और जैसे ही वो अपना कंबल उठाता है खुजाने के लिए, तभी उसके सामने वो मकड़ा आ जाता है और उसके पैरों में अपने डंक धंसाकर उसे वहीं पे मार डालता है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका एक सहसाथी आता है और वह उसे देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और अपने बॉस को बुलाता है। उसका बॉस जेम्स एथ्रॉन तुरंत आ जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है। इसके पहले लोग समझ पाते हैं उसकी जान चली जाती है और वो लोग उसे उसके घर कैनमेनमा टाउन में भेज देते हैं। जब वो दोस्तों जा रहा था तो उसी के बैग में उसका जो मकड़ा था वो भी था और वो उसके कॉफिन में बैठकर उसी के साथ उसके शहर में निकल जाता है। अब दोस्तों हमें कैनमेनमा टाउन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी उसके कब्र को सरिया रहा था कि तभी दोस्तों वो मकड़ा रहता है। जैसे वो कब्र खुलता है तो वो कब्र में से वो मकड़ा निकल जाता है और हमें उसका चेहरा दिखाया था जो कि बिल्कुल काला पड़ चुका होता है और वो मकड़ी की जो स्पीसीज रहती है वो बहुत चालाक होती है। वो किसी प्रकार से दरवाजे के रास्ते बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है कि तभी एक ऊपर उड़ रहा कौवा उस मकड़े को अपने मुंह में लटकाकर ऊपर उड़ा ले जाता है। लेकिन वो मकड़ा उस कौवे को जब काटता है तो धड़ से जमीन पे आके गिर जाता है वो कौवा और उसी के साथ मकड़ा भी वहीं पे गिर जाता है। अब ये दोस्तों ये जो मकड़ा जहाँ गिरा रहता है ये एक फैमिली फिजिशियन का घर होता है जो कि रॉस जेनिंग रहता है। रॉस जेनिंग दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का जाना माना डॉक्टर था, लेकिन अब उसका ट्रांसफर एक गांव में हो गया था और इस गांव का जो डॉक्टर था वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए अब इसका ट्रांसफर यहां पे हुआ था। और रॉस और उसके बेटे को एक्रोनोफोबिया था, मतलब कि मकड़ों से डर लगता है। क्या आपको भी मकड़ों से डर लगता है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वही दोस्तों वो जो खतरनाक मकड़ा होता है वो उसी डॉक्टर के फार्म हाउस में जाकर छिप जाता है और वहाँ पे उस मकड़े की मुलाकात होती है एक फीमेल मकड़ा के साथ और फिर जो होता है वो आप सभी जानते हो। और ये दोनों जो मकड़े रहते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जो कि एक बार में एक मकड़ा 100 बच्चे पैदा करता है। तो आप समझ सकते हो ये जो जहरीला मकड़ा था धीरे धीरे ये लोग पनपना शुरू हो जाते हैं और वो मकड़ा उस पूरे फार्म हाउस में अपना जाला जाला बना देता है। धीरे धीरे करके ये मकड़ा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है। वहीं दोस्तों हमें एक लेडी मार्गरेट हॉलिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में नहाने के बाद सोने जा रही थी, लेकिन तभी दोस्तों इसके हाथों पे वही एक छोटा सा मकड़ा आता है और उसे काट देता है और वहीं वो मारी जाती है। वहीं दोस्तों इसका इलाज करने रॉस तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और साथ ही साथ मेटकाफ भी आ जाता है जो कि पुराना बूढ़ा डॉक्टर था। मेटकाफ सीधे सीधे कह देता है यह हार्ट अटैक का मामला है, लेकिन रॉस कहता है सर ये हार्ट अटैक का मामला नहीं है, ये अलग टाइप का कंडीशन है। मेटकाफ कहता है देखो तुम अभी डॉक्टर बने हो और मैं पिछले 50 सालों से डॉक्टर था, तो मेरे तजुर्बा के आगे तुम कुछ नहीं हो। अपना ईगो वो आगे रख देता है। वहीं दोस्तों ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रॉस को एक जगह हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर्स का चेकअप करने भेजा जाता है और वो इन बच्चों का चेकअप करने के बाद कहता है ये सभी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ये सब खेल सकते हैं। और मैच शुरू हो जाता है और रॉस वहीं दूर से देख रहा होता है
कि तभी दोस्तों उनमें से एक प्लेयर जिसका नाम था टॉड माइलर, उसके हेलमेट के अंदर वो मकड़ा घुस जाता है और उसे भी वही मार गिराता है। और सभी के सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इकट्ठा कट्टा व्यक्ति कैसे मर सकता है। और इसका जिम्मेदार वो स्कूल वाले रॉस को मान रहे थे क्योंकि उसने ये सारा चेकअप किया था और अब उसे शहर में लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानने लगे थे। वही दोस्तों ऐसे समय बीतता जाता है और हमें डॉक्टर मेटकॉफ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अपने वाइफ के साथ बैठा हुआ था कि तभी वो कहता है, डार्लिंग मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं नहा के आता हूँ। और वो जैसे ही वो अपने जूते में पैर डालता है तो वो मकड़ा वहाँ भी रहता है और उसको वहीं काट डालता है और वो अपने वाइफ के सामने ही मर जाता है। मरने से पहले वो कहता है, डॉक्टर रॉस को फ़ोन करो। और मेटकॉफ को तुरंत देखने वहाँ पर डॉक्टर रॉस जाता है और वो पाता है कि उसके पैरों में एक मकड़े ने काटा हुआ है। और जब वो उसका थोड़ा और चेकअप करता है तो वो पाता है कि उसके शरीर में जहर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और इससे ये इस कंक्लूजन पे आता है, वो सोचता है लगता है शहर में कोई खतरनाक मकड़ी वायरस फैल गया है जिसकी वजह से ये लोग एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले की जो दो बॉडीज थी उनमें भी कुछ ऐसा वायरस उन्हें देखने को मिला था, लेकिन डॉक्टर मेटकॉफ इसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। इसके बाद दोस्तों रॉक्स कॉल करता है एथरॉन को। जी हाँ दोस्तों, वही खोजी जो शुरुआत में दिखाया गया था। इस खोजी को जब एथरॉन फोन करता है तो वो उससे एक मकड़ी के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि शायद सर आपने जो मकड़ी खोज किया है उसकी वजह से हमारे शहर में लोग मारे जा रहे हैं। इस पे आप सोचो कि एथरॉन कहीं और रह रहा है और इसका मरने का कनेक्शन कहाँ से हो सकता है। दरअसल जो एथरॉन का फोटोग्राफर था जो कि मर के आया था वो कैनियन शहर में ही था जहाँ पे लोग लगातार मरते जा रहे हैं। इसके बाद एथरॉन कहता है, देखो दोस्त, एक लोग के मरने से मैं नहीं मानने वाला, अगर फिर भी तुम्हें डाउट है तो मेरे पास तो समय नहीं है। लेकिन वो अपने असिस्टेंट क्रिस कॉलिंस को भेज देता है और तो रॉस की मुलाकात होती है क्रिस कॉलिंस के साथ। इसके बाद क्रिस कॉलिंस कहता है, देखो एक लोग को ये स्पाइडर काटा है, हो सकता है इसको पहले से कोई बीमारी हो, क्या और भी लोग जो काटे हैं उनकी तुम मुझे बॉडी दिखा सकते हो। इस पे रॉस ऑर्डर देता है वहाँ के शेरिफ को कि वो मरे हुए लोगों की बॉडी निकाले जो दो लोग मरे थे इसके पहले। इसके बाद दोस्तों उन लोग की बॉडी को दोबारा से ज़मीन से निकाला जाता है तो ये लोग पाते हैं कि इन दोनों की बॉडी में भी स्पाइडर नहीं काटा था। इसके बाद जो यहाँ पर एथरॉन का असिस्टेंट क्रिस कॉलिंस रहता है ये भी थोड़ा सा डाउट में पड़ जाता है और सीधे ये फोन करता है अपने बॉस एथरॉन को और ये सारी बातें एथरॉन को बताता है। एथरॉन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह फ्लाइट फेकर के तुरंत आता हूँ। वहीं दोस्तों जो रॉस और क्रिस रहते हैं ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं। अगली सुबह एथरॉन इन लोग से मिलने भी आ जाता है जहाँ पर एथरॉन रॉस, क्रिस, शेरिफ लॉयट, मिल्ट और एक कीटनाशक छिड़काव करने वाले व्यक्ति डेलबर्ट से मिलता है। और ये लोगों ने दोस्तों एक स्पाइडर को पकड़ा होता है जो कि उनमें से एक होता है। एल्बर्ट उस स्पाइडर को देखता है और वो एक्सपर्ट रहता है, उस पर स्टडी करता है और एथरॉन उन्हें बताता है कि दरअसल ये जो स्पाइडर्स ये क्रॉस ब्रीड से बने हुए हैं, ये स्पाइडर्स की दुनिया में एक एवोल्यूशन है और जो स्पाइडर हमने पकड़ा था उनमें से एक स्पाइडर यहाँ आ चुका है और उसके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है कि वो लोगों को क्रॉस ब्रीड कर रहा है, मतलब स्पाइडर्स को क्रॉस ब्रीड कर रहा है। और उसके द्वारा जो स्पाइडर्स पैदा हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले हैं और उनका टारगेट सिर्फ इंसान है। और हाँ, ये एक बार में हज़ारों अंडे पैदा कर रहा है जिसकी वजह से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर ऐसा चलता रहा, अगर हमने उसे नहीं ख़त्म किया तो ये बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। यह सुनने के बाद ये सभी के सभी घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं उसे मारने की तरीका क्या है। इस पे एथरॉन उसे बताता है उसने कहीं ना कहीं इस शहर में एक बहुत बड़ा अंडा बना के रखा हुआ है, पूरा घोंसला, अगर हम उसे जला दें तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पे यहाँ पे रॉस पूछता है, ये बताइए हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। एथरॉन कहता है, बहुत आसान है, वो जहाँ भी रहते हैं वो पूरी तरीके से गंदगी होता है, मॉइस्चर होता है और उनके जो जाले हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, नॉर्मल जो मकड़े होते हैं उनसे खतरनाक जाले ये बनाते हैं। इसके बाद जो एथरॉन रहता है वो रॉस के घर पे चल जाता है एक दिन रुकने के लिए। लेकिन जब एथरॉन रॉस के घर पे रहा होता है तो उसकी नज़र उसके फार्म हाउस पे जाती है जहाँ पर वो फार्म हाउस पे एक्चुअली वो नॉर्मली घूमने गया होता है। लेकिन जैसे ही वो फार्म हाउस पे जाता है तो उसी की नज़र पड़ती है वैसे ही जालों पर और ये जो मेन घोंसला रहता है उसका वो रॉस के घर में फार्म हाउस में होता है और वो ये सब देख के चौंक जाता है और ऊपर चढ़ के तहकीकात करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि तभी उनमें से जो मेल स्पाइडर रहता है वो उसके सर में आके धंस जाता है और उसे वहीं मार गिराता है।
वही रॉस, क्रिस और जो डेल्बर्ट रहते हैं, ये लोग सोच रहे होते हैं ये इसका घोंसला कहाँ हो सकता है। कि तभी रॉस को याद आता है कि कुछ दिन पहले वहाँ पे मैंने कई मकड़े देखे थे अपने फार्म हाउस में, और वहाँ जाला बना हुआ है, और फिर शक होता है कहीं वही तो नहीं है। इसके बाद ये कंफर्म होने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पर ये लोग जब जाते हैं तो पाते हैं यहाँ पर एथ्रॉन की डेड बॉडी। एथ्रॉन को मारने के बाद वो स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, और अब सारे स्पाइडर जो कि हजारों की संख्या में थे, ये सीधे रॉस के घर पे हमला कर देते हैं। क्रिस सबसे पहले जाता है रॉस के घर पे और उसके परिवार वालों को कहता है जल्द से जल्द तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ। रॉस की बीवी जेनी और उसके बच्चे किसी प्रकार से निकल जाते हैं, लेकिन जो रॉस रहता है अपने परिवार को निकालने के चक्कर में उसी घर में फंस जाता है, और कई सारे मकड़े उसके घर में घुसने शुरू हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए रॉस अपने पहले तल्ले से दूसरे तल्ले वाली बिल्डिंग में कूद जाता है, और वो सीधा क्रैश कर जाता है अपनी बेसमेंट में। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में जो घर होता है, जमीन होता है, वो लकड़ी का बना रहता है, और लकड़ी के नीचे बेसमेंट होता है। तो जब वो कूदता है तो लकड़ी टूट कर उसके बेसमेंट में गिर जाता है, और जब वो बेसमेंट में जाता है तो वो देख के बिल्कुल हैरान हो गया होता है। उसके बेसमेंट में बहुत सारे मकड़े के अंडे रहते हैं, और ये जब फूटेंगे तो लाखों की तादाद में होंगे, और पूरी दुनिया को ये ख़त्म करने का दम रखते हैं ये मकड़े। इसके बाद रॉस सबसे पहले सोचता है कि मुझे अपने डर को दूर करना होगा और सबसे पहले इंसानियत को बचाना होगा। ये जो बेसमेंट रहता है इसमें क्वीन स्पाइडर और जनरल स्पाइडर, ये दोनों रहते हैं। दरअसल ये दोनों मेन स्पाइडर रहते हैं जो सबसे खतरनाक रहते हैं। और वहीं दोस्तों की तभी उसके ऊपर क्वीन स्पाइडर हमला कर देती है, लेकिन जो रॉस रहता है वो बड़ी ही चालाकी के साथ उस क्वीन स्पाइडर को लात मार देता है, जिसके कारण वो क्वीन स्पाइडर एक बिजली से खंभे से टकरा जाती है, जिसके कारण वही जल के मारी जाती है। इसके बाद रॉस अभी अंडे को देख रहा होता है और उन्हें जलाने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ शराब की बोतलें रखी रहती हैं उसके गोडाउन में, उस सारी शराब की बोतलें लाता है और उनके ऊपर छिड़कना शुरू करता है। जैसे ही वो एक अंडे के ऊपर छिड़कता है कि तभी उसके अंदर से जो मेन स्पाइडर रहता है, जो वहाँ से आया होता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे काटने वाला ही होता है। लेकिन सही समय पर वो जब लकड़ी पे चढ़ता है वो स्पाइडर, तो ये जो हीरो रहता है वो लकड़ी को सीधे फेंक देता है आग के अंदर, जिसके कारण वो जो मेल स्पाइडर होता है वो बुरी तरीके से जलने लगता है और उन अंडों को जलाने वाला होता है। लेकिन जो जलता हुआ स्पाइडर रहता है वो तब भी हिम्मत करके आता है और इसको काटने के लिए आगे बढ़ता है। इसे कुछ समझ नहीं आता और इसके ऊपर वो चढ़ने वाला ही होता है, हवा में होता है, कि तभी जो काटी ठोकने वाला बंदूक नहीं होता है जिससे मशीन से काटी ठोका जाता है, वो तभी हीरो उठाता है और सीधे उसके ऊपर फायर करता है, जिसके वजह से वो काटी उसे लगता है और सीधे जाके अंडों में जाके चिपक जाता है और अंडा पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है, और कुछ इस प्रकार से वो बचा लेता है सबको। ये जो दोस्तों सीन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने मुँह से बताया आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप जब से इस सीन को देखेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों किसी प्रकार से ये सबको बचा लेता है और खुद भी बाहर आ जाता है। डेल्बर्ट इसे आता है बचाने और कहता है थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। मतलब पूरा किस्सा कहानी खत्म हो गया तब ये डेल्बर्ट उसे आया था बचाने। और वहीं दोस्तों दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद जो रॉस रहता है वो अपने परिवार को लेकर दोबारा से सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसका गाँव में मन नहीं लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी का नाम है आर्चेनोफोबिया, 1998 में आई थी ये मूवी। आशा करूँगा ये मूवी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।